सावन माह के पावन अवसर पर हर हर महादेव किनारों से गाजियाबाद शहर गूंज उठा है। कांवड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस दौरान हरिद्वार से जल लेकर गाजियाबाद पहुंचे तमाम कांवड़ियों से हमारे संवाददाता अजीत रावत ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस वक्त आप मेरे साथ मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गाजियाबाद में अब यहाँ पर एक टुकड़ी जो है, जत्था जो है, अब धीरे धीरे पहुँचने लगा है कांवड़ियों का। और क्या कुछ कहना है उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या मन में लेकर के कांवड़ जो है वो लेकर आ रहे हैं, अपने अपने मनोकामनाओं के साथ लेके आ रहे हैं, क्या किस तरीके से जयकारा लगाते हुए आ पा रहे हैं। एक बार मैं बस एक बार ये उत्साह है, आप देख सकते हैं कांवड़ियों का पूरे आज यहाँ पर 3 से 4 दिन हो चुके हैं। हरिद्वार से गाजियाबाद में अब ये जत्था जो है वो पहला जत्था पहुँच चुका है और धीरे धीरे अब कांवड़ियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कोई कलश लेके जा रहा है तो कोई कांवड़ लेके जा रहा है, ये एक टुकड़ी है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू जी, क्या मन में लेकर के कांवड़ आप हरिद्वार से और कहाँ के लिए जा रहे हैं? कोसी कला के लिए जा रहे हैं। मन में ये मम्मी पापा की उम्र बढ़े हमारी की जी, और हमारी लाइफ में अच्छा रहे जी। बेस तो अपने भविष्य के लिए राजू जो हैं हरिद्वार से पलवल के लिए जा रहे हैं, ये राजू भोले थे जिनसे हमने बात करने का प्रयास करा। और भी भोले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय भोले की। जय भोले की। नथी भोले जी, कहाँ से कहाँ का रास्ता जो है वो आप तय करके आज गए हो, अभी गाजियाबाद में प्रस्थान किए हैं, क्या कहेंगे आप, क्या मन में लेकर के आप कांवड़ लेके आए हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अपना जो घर के अपने बढ़िया, अपने सुविधा हो, अच्छे अपने बढ़िया रहें। भोले बाबा से यही दुआ मांग के रहें कि अपना जो हमारा बिजनेस है वो अपना चलता रहे जी। यही हम, यही मनोकामना जी। देखिए कुछ और भोले हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आज ये अहम दिन इसलिए है क्योंकि भोले जो है बड़े भोले हैं और मस्ती के साथ अपने झूमते हुए और हर हर महादेव के नारों के साथ इस सड़क पर बिना धूप बारिश आंधी और पाँव में छाले तक पड़ जाते हैं। हालांकि किस तरीके से उत्साह है और जानेंगे इस युवा भोले से। भोले, क्या नाम है आपका? राजपाल। भोले, कब चले थे हरिद्वार से और कहाँ के लिए प्रस्थान किया है आपने? 21 तारीख को चले थे, कोसी कला जाना है जी। तो भोले, क्या कुछ अड़चने आई यहाँ तक के सफर तक के लिए, क्या कहेंगे यहाँ तक जो सफर आपने तय किया इसमें क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से? कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा जी, सब बहुत अच्छा हुआ। भोले के उस मंत्र में हर हर महादेव के नारे से गूंज जाते हैं आप लोग, क्या कहना है आपका, इसमें कितनी शक्ति है, किस तरीके से? बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए कुछ और भोले हैं जो बिल्कुल मस्ती के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल गाजियाबाद में इनका प्रस्थान हुआ है और गाजियाबाद की तरफ से आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनसे बात करने का प्रयास। क्या नाम है भोले? लेखराज। भोले, कहाँ से अब हरिद्वार से चले हैं और कहाँ के लिए आप प्रस्थान? हरिद्वार से कोसी कला के पास बरचावली गांव है, वहाँ के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे भोले, इस बार आपने कांवड़ उठाई है, क्या मन में शुभकामनाएं हैं, क्या मन में अपने श्रद्धा है, किस तरीके से आपने आज इस बार जो किसके नाम की इस बार आपने कांवड़ उठाई है? ये तो भोले की इच्छा, जो भोले होगा वही होगा जी। वैसे बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ तक के सफर में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, भोले कृपा। देखिए हालांकि ये भोले हैं, बहुत भोले हैं, हालांकि इसीलिए मस्ती में अपने भक्ति के साथ आप देख सकते हैं, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे भोले जो है अपने सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। सड़क आप देख सकते हैं बिल्कुल कांवड़ियों से, भोले से भरा हुआ है। ये आप तस्वीरें गाजियाबाद की दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये भोले हर हर महादेव के नारों के साथ देखिए किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ आगे अपने मंदिर परिसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से पूरे हर हर महादेव के नारों के साथ और भोले जी के आस्था पूजा अर्चना के साथ अपने अपने मंदिर परिसर और अपने अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। हरिद्वार से अभी तक का जो सफ़र है इनका गाजियाबाद में, उसमें किसी तरीके की परेशानी देखने को नहीं मिली। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।